نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا لم يتغن بالقرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام قراء کرام میرے عزیز دوستو قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں آج کا یہ فقید المثال فروغ تجوید و قرآت سمینار آپ تمام دوست احباب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ تمام احباب کی دلی حاجات کو پورا فرمائے اور اس قرآن کریم کی مقدس محفل کے طفیل ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کریم کی روشنی سے منور فرمائے بیان کرنا مقصود نہیں ہے جو دوست احباب تشریف لائے صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں جامع مسجد نور الاسلام کی انتظامیہ انجمن خدام ملت کے دوست میرے بزرگ حاجی محمد اشرف صاحب چودھری برہان الدین ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی حاجی محمد رمضان صاحب ہیں ملک مظہر صاحب ہیں عاصم بھائی ہیں بہت زیادہ دوست احباب جن کے میں اکثر کے نام بھی نہیں جانتا اور بزرگوں میں حاجی فاروق صاحب ہیں ان کی محبتیں ان کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں مختصر سی اس کے انعقاد کا جو مقصد ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی چند ایک باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور ہمارے مہمان قراء کرام تشریف لا چکے ہیں بس ان قریب اسٹیج کی زینت بنیں گے ہم نے اس مسجد میں 2019 ستمبر کے اندر نور الاسلام قرآن اکیڈمی کا آغاز کیا کیونکہ ہر مسجد کو یا ہر مسجد کے ساتھ ایک ادارے کی اشد ضرورت ہے اس پرفتن دور میں ورنہ نوجوان نسل ہماری دن بہ دن زوال کی طرف جا رہی ہے اور قرآن و حدیث سے دوری کی وجہ سے وہ اس دنیا کے فتن و فساد میں مبتلا ہو رہی ہے نور الاسلام قرآن اکیڈمی کا مقصد قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے اور اس میں جو اہم شعبہ تجوید و قرآت ہے شعبہ تجوید و قرآت مجھے جو
मेरा जो एक थोड़ा बहुत तजर्बा है या मैं तुलबा से उलमा से मेरी वाबस्तगी है, 18 साल से कम पेश मैं दरसो तदरीस से वाबस्ता हूं और शुबह तजवीद व किरात से बिलखुसूस। हर गुजरते दिन के साथ जेबो जीनत ज्यादा आती जा रही है, दिखावा ज्यादा आता जा रहा है, जो असल मकसद है वो तकरीबन फौत हो चुका है या अनकरीब फौत हो जाएगा। जेबो जीनत दिखावा 95% कर लें आप, 5% जो असल मकसद है वो रह गया है। एजुकेशन चाहे वो मदारस की हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी की हो, तकरीबन मफलूज होके रह गई है। हुसूले डिग्री तक हम महदूद हैं, ना कि हुसूले इल्म तक हम महदूद हैं। और फिर मदारस की तो ज्यादा खस्ता हालत है। तो हमने यहां एक इदारे का क़याम, इससे पहले जो था वो मेरे इल्म में नहीं है, सितंबर 2019 से जो हमने आगाज किया, हमने अपनी क्लासेस का आगाज किया, मैं सिर्फ उसकी शहादत या उसकी तर्जमानी कर रहा हूं। और मेरे मोहसिन जो इस मस्जिद के खतीब हैं, दीनों दुनिया की तालीम का वसी तजर्बा रखते हैं, अजीम मजहबी सिकालर हैं, सूफी बासफा हैं, हजरत अल्लामा प्रोफेसर कारी मोहम्मद सगीर अहमद अवान नक्शबंदी दामत बरकातुहुम अलालिया, आपकी रहनुमाई सरपरस्ती और हर लम्हा हर वक्त तआवुन, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैंने दो चार चीजें बेटा आप लोगों से कहनी है, बिलखुसूस तुलबा से। एक होती है बात, बात कर देना आसान होता है, प्रैक्टिकली उस बात के ऊपर अमल करना मुश्किल होता है। कुरान करीम की एक आयत करीमा सूरतुल मुज़म्मिल की है जो हम पढ़ते हैं, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान करीम को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। तो यहां से हम मुराद ले लेते हैं ठहर ठहर कर पढ़ना, चाहे वो गलत हो या सही हो, कि ठहर ठहर कर पढ़ना। हालांकि ये मुराद नहीं है, तरतील का माना ये नहीं है कि ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील का माना है साफ साफ तहकीक के साथ एन अम्रे रब्बी के मुताबिक पढ़ो। सिर्फ ठहर ठहर के पढ़ना मुराद नहीं है इसे कि ठहर ठहर के पढ़ लो और ठीक है चाहे गलत पढ़ते रहो। अच्छा, मेरी बात इतनी वजनी नहीं होगी, हम ये हुजूर ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हम मौला अली की बारगाह में ये सवाल रख के पूछ लेते हैं कि तरतील क्या है। मौला अली करमल्लाहु वजहु आप फरमाते हैं कि अत्तरतीलु हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, के तरतील नाम है हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ने का और मारिफत वुकूफ का। अब ये चीज हर बंदा आके बयान करके चला जाता है कि भाई तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ करने की जगहों को पहचानना नहीं। अब इसके आगे जो चीज हमने जाननी है वो क्या है, तजवीद क्या है। तरतील तो तजवीद है, हमने तजवीद के ऊपर गौर नहीं किया कि तजवीद क्या है, तजवीद को कैसे जाने। लफ्ज तजवीद अरबी जुबान का लफ्ज है, जवदा युजविदु तजवीदन, ये बाबे तफ़ईल का मस्दर है जो अहले इल्म बैठे हुए हैं। अरबी जुबान के अंदर इसका माना है खूबसूरती। क्या है? खूबसूरती।
अब हमने ये जानना है कि खूबसूरती क्या है। पहले हमने जाना तरतील क्या है, मालूम हुआ कि तजवीद है। तजवीद क्या है? खूबसूरती है। अब हमने खूबसूरती को देखना है कि खूबसूरती क्या है, क्योंकि जिस दौर में हम बड़े हो रहे हैं हमारी खूबसूरती तो बनावटी है, मस्नूई है। हम तो खूबसूरती को भी नहीं जानते कि खूबसूरती क्या है। या तो हमें खूबसूरती का इल्म हो, हम तो खूबसूरती करीमों से हासिल करते हैं, जेबो जीनत से हासिल करते हैं। खूबसूरती तो हम भूल चुके हैं कि खूबसूरती है क्या। खूबसूरती उलमा फरमाते हैं कि हर हर्फ को उसके मुकर्रर करदा मखरज से निकालना, फिर उसमें पाई जाने वाली सिफात लाजिमा व सिफात आरिजा की रियायत करते हुए बगैर किसी तकल्लुफ के हर हर्फ को अदा करना, यह खूबसूरती है। अल्लामा जज़री फरमाते हैं कि मुकम्मिलम मिन गैरी मा तकल्लुफी बिल्लुत्फी फिन नुत्क बिला तअस्सुफी। अब हमारे यहां इसका जो मसला है, जो इसकी हम जंग लड़ रहे हैं कि भाई तजवीदो किरात के साथ कुरान करीम को पढ़ा जाए। अब कुछ हमारे बड़े मसनद पे बैठने वाले वो कहते हैं कि तजवीद है, मखारिज से पढ़ लो बस, वो काफी हो गई तजवीद। नहीं, तजवीद ये काफी तो नहीं हो गई। अल्लामा शातिबी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि कारी कुरान को चार उलूम का जानना जरूरी है। कितने? चार उलूम को जानना, चार उलूम का जानना जरूरी है। उनमें एक है इल्म तजवीद, दूसरा इल्म किरात, तीसरा इल्म रस्मुल खत और चौथा है इल्म वक्फ। जिनको कुर्रा हम जानते हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं, वो इल्म तजवीद से थोड़े बहुत तो होते हैं, इल्म किरात से आरी होते हैं, इल्म रस्मुल खत उनके पास से नहीं गुजरता, इल्म वक्फ में तो है ही नहीं ना कुछ। अब अगर हम इन चीजों के साथ इनके हुसूल की बात करें कि इल्म रस्मुल खत को अदा करने के लिए इल्म लुगत को पढ़ना पड़ेगा, इल्म मानी को पढ़ना पड़ेगा, इल्म वक्फ को जानने के लिए हमें कुरान करीम का तर्जमा, उसकी लुगत, उसकी ग्रामर से वाकिफ होना पड़ेगा, फिर जाके हमें इल्म वक्फ आएगा। तो इस पुरफितन दौर के अंदर हमने ये कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप कुरान किराम की तिलावतें सुनेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला ये जो नौजवान हमारी नस्ल है, ये जितने भी तुलबा हैं, ये हमारी, हमारे फ्यूचर का इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा जखीरा है। और ये कुरान करीम कि सही माना में जो तजवीदो किरात की इशात है, इंशाअल्लाह ताला इन नौजवान बच्चों के हाथ में है। और नूरुल इस्लाम कुरान एकेडमी में हमारी तजवीद थोड़ी सी बेटा मुश्किल होती है, जो हम पढ़ाते हैं, जो दीगर मदारिस के बच्चे आए हुए हैं। मदारिस में बिलउमूम तजवीद पढ़ाई जाती है 12 बजे तक, मोटा मोटा पढ़ा के भेज दिया जाता है। हमारी थोड़ी सी अलग तजवीद होती है, जो असलाफ ने जैसे पढ़ाया है उसकी टाइमिंग है, उसका एक अरसा है, उसको सही माना में मुकम्मल हम कोशा हैं कि इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद जो सही माना में तजवीद का हक है या फिर तजवीद की जो मारिफत है, इसलिए हमने इसके इसका उनवान भी यही रखा कि फरोगे तजवीद व किरात। इंशाअल्लाह ताला मैं आप सब तुलबा से ये उम्मीद रखता हूं, और जो कुर्रा किराम तशरीफ लाए, उलमाए किराम तशरीफ लाए, मैं इन सब का एक मरतबा फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। और एक आखिरी बात, ये बड़ी पत्ते की बात बता रहा हूं, आप इसमें थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप समाप्त कर लें, जो तुलबा बैठे हैं बिलखसूस। इल्म अदब से आता है बेटा,
इल्म किससे आता है? अदब से। और 18 साल जो मेरा आप लोगों से वास्ता है ना, हर गुजरते दिन के साथ बेअदबी बहुत ज्यादा है, बेअदबी बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक अदब की बात बता देता हूं, जितने भी तुलाबा बैठे हो, इस महफिल का मकसद, आप लोगों के आने का मकसद, जो आप पढ़ रहे हो, सब इसी के अंदर है। मैं पढ़ रहा था कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में कुरान करीम ने कहा कि कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। और ये वो शहजादे हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मवद्दत के साथ बयां फरमाई है कि अगर मेरे अहले बैत से मवद्दत, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत आने जाने वाली चीज है, मवद्दत आके चली गई तो बंदा ही गया, ईमान ही गया। आप घोड़े के ऊपर सवार हैं, एक गली से आप गुजर के तशरीफ ला रहे हैं, तो इतने में आपका पांव मुबारक नीचे जमीन पे लगा और वहां पानी खड़ा हुआ था, तो आपके पांव गंदे हो गए थोड़े से। सामने एक शख्स बैठा हुआ था दूर थोड़ा सा, सुफेद रीश है, ज़ईफुल उम्र है, उनका नाम है अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि इमाम अली मकाम का पांव मुबारक गंदा हो गया है, पानी लग गया है, तो आप वहां से ज़ईफुल उम्री में दौड़े आए और अपना इमामा उतारा, उसको फाड़ा, फाड़ के इमाम साहब के पांव को पकड़ के साफ करने लग गए। मैं बेटा अदब की बात कर रहा हूं, आप अदब के ऊपर रहिएगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, आप तो बुजुर्ग हैं हमारी उम्मत के, आप मेरे नाना जान के बहुत करीब हैं, आप ऐसा ना करें, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? सैयदना अबू हुरैरा का जवाब सुने। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करते हैं, हुजूर हमने आपके नाना के टुकड़ों के ऊपर हम पले हैं, और आज जो कुछ भी हैं आपके नाना के नलेने पाक का सदका है, और ये मेरा ईमान ये गवारा नहीं करता कि इमाम अली मकाम के पैर को गंदगी लगे और अबू हुरैरा देखता रह जाए। आज हम जब तुलबा को देखते हैं, उस्ताद को देखें, तो दूसरी गली में मुड़ जाते हैं, सलाम नहीं करते, भाग जाते हैं, बुलाते रहो आते नहीं, फोन करते रहो उठाते नहीं, तरले करते रहो कोई परवाह नहीं। वल्ला मैं हल्फन कह रहा हूं, एक अजीम मसनद पे बैठा हुआ हूं, हमारी जान जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं अपने उस्तादों से 6 सिपारे पढ़े थे, मैं छोटा सा बच्चा था तब मैं उनसे पढ़ा करता था, तो मैं तब गया जब मैं यहां खुद अजीबो गरीब, मुझे लोगों ने अलकाब दिए हुए थे कि ये कारी है, फलां है, ढींग है, तो मैं एक दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था, पीछे से आवाज आई मुंशी, तो मैं 15 साल पीछे लौटा, एक ही लम्हे में 15 साल पीछे लौटा, और मेरा पूरा जस्म पसीने से पसीना ही पसीना हो गया, और मुझे पता चला कि मुझे मुंशी एक उस्ताद कहा करते थे बचपन में, कि मैं पेंसिल से लिखता रहता था, मुझे कहते तू मुंशी है। जब मैं पीछे मुड़ के गया तो मैं कदमों में जा गिरा, मैं कहा माजरत, ये अंधी आंख है, इसने देखा ही नहीं, मुझे माफी दे दो। कदम बोसी दी, सीने से लगा लिया, फरमाते नहीं यार, तू तो खुद कारी बन गया है, तू दीन का काम कर रहा है, तू पढ़ रहा है, तू ये तू वो। मैंने कहा हुजूर नहीं, मैं तो आपके कदमों की खाक हूं।
और मैंने 18 साल पढ़ाया, जिसको मैं मंजिल पे ले आता हूं वो चार बंधु में भी उस्ताद कहने से शर्माता है। मैं परेशान होता हूं यार, कौन सी कमियां हैं ऐसी, क्या वजूहत हैं ऐसी, अजीबो गरीब सिस्टम होता है। लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं बेटा, मंजिलें भी फिर नहीं मिलती, चंद दिन के रोले होते हैं वो चंद दिनों तक महदूद रहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाग में बैठे हुए थे, आप कुछ लिख रहे थे, तो इतने में एक बच्चा आता था, खिलौना गिरता और वो उठाने के लिए आता, इमाम सब खड़े होकर हाथ बांध के खड़े हो जाते। इमाम यूसुफ फरमाते कि हमने एक मर्तबा देखा, दो मर्तबा देखा, बार बार गिरता वो, बार बार आके हाथ जोड़ के, आप हाथ बांध के खड़े हो जाते। तो हमने अर्ज की, हुजूर छोटा सा बच्चा है, वो आता है खिलौना पकड़ता है, हम उसका खिलौना उठा के दे देंगे, आप क्यों बार बार तकलीफ करते हैं। फरमाते यूसुफ तुम्हें पता नहीं है कौन है, ये मेरे उस्तादों का पोता है, ये मेरे उस्तादों का पोता है। तो यहां से खुद अंदाजा लगा लें बेटा, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आपका क्या इल्म है। अगर अदब नहीं है ना तो ये दिल मुर्दा रहेगा, ये चीजें नहीं आएंगी। इस चीज का खास ख्याल रखो, अगर इल्म हासिल करना है तो असातिजा का अदब सीखो, बड़ों का अदब सीखो। अगर अदब नहीं है तो इल्म का कोई फायदा नहीं है, इल्म का कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तमाम तुलाबा को इल्म अमल के साथ कामयाब फरमाए। जहां इल्म आप हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला वहां आपको अदब की दौलत भी नसीब फरमाए, अमल की दौलत भी नसीब फरमाए। और खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं, फिर तजवीदो किरात, फिर उसके बाद दर्स निजामी आलिम दीन पढ़ते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुरा किराम आए हैं तो इनकी तिलावत करवाएं, तो फिर मेहमान कुरा किराम की हम तिलावत करवाते हैं। जज़ाकअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरोगे तजवीदो किरात सेमिनार। माशाल्लाह किबला उस्ताद गिरामी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम तुलबा की रहनुमाई फरमा रहे थे। यकीनन जितने भी आपने कलिमात इरशाद फरमाए वो सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुलबा को और हम सब को दारैन की सआदत अता फरमाए। अब बिला तखीर किबला उस्ताद ग्रामी के शगिरदान रशीद, उनसे आयात बजीनात की तिलावत सुनते हैं। सबसे पहले मैं दावत आयात बजीना देता हूँ जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद जवाद इकबाल नक्शबंदी साहिब। आप आते हैं आयात बजीना से हमारे क्लब अजहान को मुअत्तर मुनव्वर फरमाते हैं। इनकी आमद से पहले नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस कुरान को किबला कारी साहिब पढ़ने वाले हैं, ये कुरान उसी खुदा का है जिस खुदा ने इस कुरान को अपने महबूब पे नाजिल फरमा के कहा, महबूब हमने जिस तरह कुरान को आपके लिए रहमत बनाया है इसी तरह इस कुरान के सदके हमने आपने आपके वजूद को भी रहमत बना दिया है। उसी रसूल का नारा लगाता हूँ, दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तशरीफ लाते हैं जीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद जवाद इकबाल नक्शबंदी साहिब।